समाचार, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया हो। एंड आज है संडे और हम पेश हो गए अपनी न्यू वीडियो के साथ आपके सामने। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर कि आज की वीडियो हमारी है क्या। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा थंबनेल के ऊपर, वो है ऑरेंज फेस पैक। अब भाई सबसे मेन चीज जो है ना आज की वीडियो में, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि भाई ये जो ऑरेंज फेस पैक है ना, वो सिर्फ लड़कियों के लिए फायदेमंद नहीं है, लड़कों के लिए भी है। और हम जो है अपनी हर वीडियो जो है मेनली, सिवाय मेकअप को छोड़ के, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही बनाते हैं। भाई क्यों भाई, लड़कों ने कोई पाप थोड़ी ना किया कि वो ये जो नेचुरल रेमेडीज का, अच्छी अच्छी रेमेडीज का फायदा नहीं उठा सकते। सो आज की वीडियो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है, और हर वीडियो सिवाय मेकअप को छोड़ के दोनों के लिए होती है। सो अब जो है हम ये देखेंगे कि भाई ऑरेंज फेस पैक होता क्या है, क्या फायदे हैं, क्यों लगाएं। भाई मैं भी हूं तो मैं क्यों, भाई मैं आपको बोल रही हूँ भाई आप क्यों लगाओगे जब तक आपको पता ही नहीं कि ऑरेंज फेस पैक होता क्या है, ये है क्या भाई, क्या चीज, किस बला का नाम है। इसीलिए भाई पहले जानना बहुत जरूरी है, बट ऑब्वियस है कोई भी चीज लगाने से पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है कि उसके फायदे क्या हैं, कि नुकसान क्या है, वो कैसे, क्या मतलब है क्या चीज ऑरेंज फेस पैक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऑरेंज फेस पैक होता क्या है। अब जैसे हम ऑरेंज की बात करते हैं, ऑरेंज खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, वही टेस्टी बहुत होता है। सो इसी तरह से जो है ऑरेंज के अंदर, जैसे कि हम सब जानते हैं ऑरेंज जो है विटामिन सी से भरपूर होता है, बहुत ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। और जो विटामिन सी होता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर वही जगह हम नेचुरली विटामिन सी हम अपने स्किन के ऊपर लगाएं तो मतलब पूछो मत, उसका तो फिर असर ही कुछ और होगा ना। क्योंकि विटामिन सी जो होता है हमारे चेहरे पे या फिर स्किन पे, कहीं पे भी लगाइए, सिर्फ चेहरे की बात नहीं, स्किन पे कहीं पे भी लगाइए, या आपके स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो दूर कर देता है, आपके जो स्किन के ऊपर जो रिंकल्स आ जाते हैं उसका जो अगर, बट ऑब्वियस है एज के साथ रिंकल्स आएंगे ही आएंगे, बट अगर वो रिंकल्स आने की जो स्पीड होती है उसे स्लो कर देता है, आपके स्किन पे ग्लो लेकर आता है, स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, स्किन का जो टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव करता है, और स्किन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बना देता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, हम विटामिन सी के जो कैप्सूल्स खाते हैं, विटामिन सी से जो मार्केट में विटामिन सी की क्रीम्स लगाते हैं, भाई हमने भी बनाई है क्रीम्स, वो जो लगाते हैं उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हम नेचुरली कोई चीज हम अपने फेस पर लगाएं और खाएं तो भाई फिर ये नकली नकली चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं ना। तो हमें जो है ये, और सबसे मेन अच्छी बात पता क्या है कि ये जो विटामिन सी का जो फेस पैक है बहुत आसानी से बन जाता है। अभी आप देखेंगे कि कितनी आसानी से बनता है। आप कहेंगे भाई एवी हमने अब तक बनाया नहीं, अभी तक हमने यूज ही नहीं किया, मतलब हम तो पागल ही है। जैसे मैं थी तो मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ही बनाना स्टार्ट किया है, एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और इसका जो रिजल्ट होता है, अगर आप हफ्ते में 3 बार लगाएं तो आपको हफ्ते में ही पता लग जाएगा, 3री बार के यूज में आपको फर्क लगना शुरू हो जाएगा, आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, आपके एज ए एंटी एजिंग की तरह काम करें, आपकी स्किन पे ग्लो आने लग जाएगा, आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर होने लग जाएगा। बट मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी, कोई भी फेस पैक लगाओ बट कुछ खाना बहुत जरूरी है। खाने का मतलब ये नहीं कि कोई भी बर्गर उठा लिया, जंक फूड उठा लिया, खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। खाने का मतलब है कि कोई हेल्दी खाना आप खाइए भी जरूर, अगर आप जब तक कुछ खाएंगे नहीं तो फेस पर आएगा नहीं। चाहे आपको दुनिया की कोई भी अच्छी से अच्छी चीज लगा लो, कुछ भी महंगी महंगी चीज लगा लो, वो एक टेम्परेरी इलाज रहता है, बट जब तक आपके अंदर नहीं जाएगा, अगर आप अच्छा खाएंगे तो परमानेंट बन जाता है। ठीक है, सो अभी हम जो है ये देखेंगे कि भाई ये हमारा ऑरेंज फेस पैक बनेगा कैसे, बिकॉज कैसे बनाया जाए और उसे किस तरह से लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी उसका असर आपको अच्छे से पता चलता है। सो अभी हम देखेंगे कि ये बनाना कैसे है, लगाना कैसे है और इसे उतारना कैसे है, बिकॉज यही जो है, यही मेन कॉन्सेप्ट जो है, सभी यही जो 3 तरीके होते हैं ना, बनाना, लगाना और उतारना, इसी से ही जो है आपकी, अगर आपको असर 10% होना था, बट ऑब्वियस अगर आपको तरीके से नहीं पता है तो वो 10% ही होगा सर, अगर वो 10% होना था, अगर आपको तरीका पता है कैसे सब कुछ करना है तो वो आपको 100% आपको रिजल्ट देगा। तो 10% नहीं, 100% लेने के लिए आप जरूर इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे बनाना, लगाना, उतारना है, ताकि आपके स्किन को बहुत अच्छा जो है फायदा दे सके। एंड अभी जो है हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ते, ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं बात करते करते। सो हम बढ़ते अपनी वीडियो के, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विटामिन सी ऑरेंज फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए ऑरेंज यानी कि संतरा। हम यहाँ पे इस संतरे को आधा काट लेंगे और
इस बिकॉज हमें इस संतरे से सिर्फ 2 to 3 टीस्पून जूस चाहिए होगा, यानी कि 2 से 3 चम्मच जूस मैं यहाँ पे लूंगी, बिकॉज मैं यहाँ पे अपने फेस पे लगाने के लिए अप्लाई बना रही हूँ। आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको और स्किन पर आपको अप्लाई करना है तो। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एवरीडे का नेस्ले का मिल्क पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम निकालेंगे जो हमने संतरा लिया था आधा, उसका जूस निकालेंगे। मैं यहाँ पे इसका जूस निकालने के लिए अपने हैंड से ही इसको हैंड ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और जूस निकाल रही हूँ। आप चाहें तो आप अपने हाथों से भी इसका पल्प निकाल सकते हैं और आपको जूस मिल जाएगा। तो देन इसके बाद मेरा यहाँ पे जूस निकल चुका है, आप देख सकते हैं ये सिर्फ 2 टीस्पून ही हमारा जूस है। सो इसके बाद मैं इस जूस को ट्रांसफर कर लूंगी एक कंटेनर में। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, आप चाहें तो कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। सो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक मिल्क पाउडर का 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और ध्यान रखिएगा इसे अच्छे से मिक्स करना है, ये 1 टीस्पून जो 1 चम्मच हमने डाला है छोटा 1 चम्मच है। सो ये हमारा जो है अच्छे से मिक्स हो गया और ये हमारा सोल्यूशन तैयार हो चुका है। और अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पर अच्छे से। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से धो लिया है और अब मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, ना कोई मेकअप ना कुछ। और जो अब मैंने अपने हेयर्स को भी जो है अपने हेयर बैंड से बैक साइड कर लिया है और अब हम लगाएंगे अपना ये सॉल्यूशन जो हमने बनाया है। सो अब इसको लगाने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉटन पैड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथों से भी लगा सकते हैं। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी अगर हाथों से अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो लगा सकते हैं, नहीं तो कॉटन का यूज कर सकते हैं। सो आज मैं कॉटन से लगाऊंगी। सो इसको हम यहाँ पे इसे ऐसे डिप करेंगे एंड जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इसमें मिल्क पाउडर ना भी डालो तब भी चलेगा, बट ये अगर डालो तो अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। सो इस तरह से हम अपने फेस पे लगाएंगे इसे, इसे इस तरह से डैब भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से करके इसको, ये जो जितना भी ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा मिल्क पाउडर है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमारे स्किन पे जितने भी डेड सेल्स होते हैं, हमारी स्किन पे जितनी भी डेड स्किन होती है उसे बिल्कुल ही हटा देता है, उसको बिल्कुल एक्सटेक्ट कर देता है और हमारी स्किन को डीपली जो होता है क्लीन करता है, हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, हमारी स्किन पे जो है हमारी स्किन को अनइवन टोन से इवन टोन बनाता है, हमारी स्किन को ग्लोई फेयर स्किन प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन पे जितने भी एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, जितने भी रिंकल्स और फाइनलाइज होती है उसे रिमूव करता है, और साथ ही साथ हमारे रिंकल्स आने की जो स्पीड होती है उससे जो होते हैं स्लो करता है। और इसमें हमने डाला है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो होता है सन टैनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसे रिमूव करने के लिए, और हमारे स्किन को फेयर और ग्लोई स्किन देता है, बिल्कुल ही गोरा गोरा, और स्किन की जो टेक्स्चर होता है उसे इम्प्रूव करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है। सो जो है मैंने कहते हैं अपने फेस पे एक लेयर लगा ली है। अब जैसे थोड़ा सा ही सूख जाता है 10 मिनट के अप्रॉक्स, आप जो है दूसरी लेयर भी लगाएंगे। उसके बाद इसको जब सूख जाएगा अच्छे से फिर हम इसे धो देंगे। बट इतना ध्यान रखिए आपको जो है फेस के साथ साथ नेक पे भी लगाना है, बिकॉज अभी जो है मैंने हाई नेक पहना तो अभी तो मैं नहीं लगा सकती, बट मैं बाद में ज़रूर लगा लूंगी। बट आपको जो है फेस के साथ साथ कोई भी चीज़ लगाते हैं आपको नेक पे भी अप्लाई करना है। और ये वाला जो सोल्यूशन आप पूरी कहते आप पे भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है आपके स्किन के लिए। अब जो है अब हम 10 मिनट तक वेट करेंगे और 10 मिनट के बाद, इसके बाद एक लेयर हमारी लग चुकी है तो हम लगाएंगे सेकेंड लेयर। अभी जो है मेरे 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो मेरा पुराने वाला जो हमने लगाया था लेयर लगाई थी वो सूख चुकी है, मतलब आप ये बोल सकते हैं 80 to 90% सूख चुकी है। अब हम अपनी सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे। अब कईयों को ना ये होता है कि भाई हम लोग दो दो लेयर्स क्यों लगाएं, कि हम इतना टाइम नहीं होता भाई आज के टाइम में, बट ऑब्वियस है किसी के इतना टाइम नहीं कि दो दो लेयर्स लगाओ। बट क्या होता है ना कि अगर दो लेयर्स लगाएंगे तो ये जो पैक है आपका डबल इफेक्टिव देगा, ठीक है? तो आपकी टैनिंग, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना मोस्टली, वो ज़्यादा अच्छे से रिमूव करेगा। इसीलिए हम इसकी डबल लेयर लगाते हैं। बट आपका मन करे तो आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है और अभी फटाफट आपको जाना है, सो आप इसकी सिंगल लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट चाहिए तो आपको जो है इसकी डबल लेयर लगानी ही चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट देगा। और वैसे भी इतना मतलब 10 मिनट है,
सिर्फ, और ज्यादा तो कुछ है नहीं है, 10 मिनट कोई भी काम कर सकते हैं, रात को लगा लीजिए, 2 मिनट लगा के काम कर सकते हैं, नहीं तो अगर फिर भी इतना नहीं है तो कोई बात नहीं, एक लेयर लगाएंगे तब भी आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। सो अब जो है हमने अपनी दूसरी लेयर भी अप्रॉक्स पूरी कर ली है। अब जो है जब भी जैसे हमारी दूसरी लेयर पूरी हो जाती है तो हम इसको थोड़ा सा मसाज करेंगे, हल्के हल्के हाथों से करनी है, 2 मिनट तक आपको इसको अच्छे से मसाज करनी है ताकि ये अच्छे से जो है आपके फेस के अंदर चला जाए, ये आपके फेस के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत अभी से ही थोड़ा थोड़ा जो है फेस पे धीरे धीरे ग्लो लेके आने लगता है, बिकॉज अगर इसकी मसाज होती है तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर चला जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी स्किन को और अच्छे से ग्लो लेकर आता है आपकी स्किन पे। सो हमने जो है 2 मिनट तक अच्छे से इसका कर लिया है, बट अब थोड़ा सा इसका फेशियल वाला जो हमारा मसाज होता है उस टाइप थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं। आपको जो है बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है अपने स्किन को, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से अपनी स्किन को जो है मसाज कीजिए। ज्यादा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा मत अपनी स्किन को बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिए, बट अगर करें तो बहुत ही स्लो स्लो हाथों से और अच्छे बिल्कुल सर्कुलर मोशन में आपको अपनी स्किन को जो है मसाज करनी है। सो हमने इसको कर लिया है एंड अब चाहे तो इसको छोड़ दीजिए, बट मुझे थोड़ा सा रहता है कि भाई है पड़ा हुआ है थोड़ा सा तो क्यों ना लगा ले, तो एक लिया मैं एक और लगा के इसको छोड़ूंगी, मैं वेस्ट नहीं जा रही चीज चीज मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा फालतू में चीज लगाने से भी फेस स्किन खराब हो जाती है, बट इसको आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी गुड। सो इसीलिए मैंने इसकी एक और लेयर ऊपर से लगा ली है, बट आप उसको वैसे भी छोड़ सकते थे। तो है अपनी फेस को वॉश कर लिया है एंड बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पे जो है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा इस पे जो है थोड़ा क्लियर क्लियर सा फेस मुझे अपना लग रहा है, और बहुत ही एकदम से थोड़ा सा इंस्टेंट, जरा सा इंस्टेंट पे एक थोड़ा सा ग्लो भी आया है। एंड अगर हम इसको हफ्ते में 3 बार, 2 से 3 बार यूज करें इसी तरह से, तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है एंड बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर और स्किन पे ग्लो लेकर आता है, एक नेचुरल ग्लो लेकर आता है जो कि टेम्परेरी बिल्कुल नहीं होता, परमानेंट होता है। और साथ ही साथ अब जब हमने इसको लगा लिया है, मतलब वॉश कर लिया है, सो अब हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, टोनर लगा सकते हैं, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने इसमें बनाया था, अगर नहीं देखी तो आप तब वैसे देख सकते हैं जाकर, नहीं तो आप, और साथ ही साथ अगर आपके पास इस वक्त टोनर नहीं है तो मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, एलोवेरा का जो सिंपल सौंदर्य आता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जब अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके बाद अब मैं अपना फेस पे टोनर लगाऊंगी। ठीक है, सो मैंने फेस पे अपने टोनर लगा लिया, उसको मैं आप थोड़ा देर सूखने दूंगी, और अगर मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं वो तो आपको फेस पे ऐसे लगाकर छोड़ देना है। अब हम जो है इसको, अब बिल्कुल हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है एंड ये अपने आप सूख जाएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स लेडीज के साथ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने जो है कमेंट्स जो है वैल्यूएबल कमेंट्स जो है आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये आपके लिए फ्री है और बट मुझे मोटिवेशन देता है न्यू न्यू वीडियोस लेकर आने की। जो है अब आप इसका जरूर यूज कीजिए और मुझे अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे वेडनेसडे, डेफिनेटली मिलेंगे वेडनेसडे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।